राम राम शमना, मैं पिंकी किनाला और आप सब देख पा रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल मौजूद हैं स्कूल के अंदर और नामांकन करने के लिए जयप्रकाश उर्फ सोनू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो जी, सबसे पहले जैसे आपने मन बनाया सरपंच के इलेक्शन में आने का, सरपंच बनने के लिए आपके मन में कैसे आई, किस मुद्दे, किस प्रकार विकास कार्य के लिए, किस विकास को ध्यान में लेकर चल, कौन सी समस्या सबसे बड़ी गाँव में नजर आई की? वाटर सप्लाई है जी, किसान की समस्या है, DIP मतलब वो लाइन में लाग गए है, बसों की समस्या है जी, उन समस्या। एक और समस्या अगर अपन किसाना का जिक्र करें तो उन्हें जगह जगह पर जो पानी के किले भरे खड़े हैं उसके निकलवाने की सुविधा भी कितने नहीं इतनी ज्यादा नजर आने लग रही, क्या बनने के बाद उस चीज पर ध्यान करो? प्रयास करेंगे जी बिल्कुल। और क्या कुछ मुद्दे आपके रहेंगे, किस वजह से आप मतलब क्या कुछ विकास कर पे जी लाइन लाग गए है भाई, ये समस्या मिटावांगे। अरे एक पंजीकरण पर मतलब वो उड़ जाना पड़ा जी, ज़्यादा पैसे लग गए हैं, ऑनलाइन ऐड है भाई, गम में एक स्पेशल छोटा जाओ गम में करवाया जाओगा। और आप जैसे अब गांव में जा रहे हो, डोर बाय डोर जा रहे हो, जन समर्थन किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है? बढ़िया जी। तो इनके समर्थक भी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। राम राम जी। राम राम जी। आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हो काफी ज्यादा, सोनू को सपोर्ट कर रहे हो, बोल रहे हो बना के छोड़ोगे, तो फिलहाल इब्नू बता दो के कुछ गुण इनके अंदर आपने दिखन लाग रहे हैं जो इतना सपोर्ट कर रखा है? गुण ये है जी, गांव का कोई भी काम हो, सामाजिक काम हो, उसमें सबसे पहले अग्रणी रहे हमारा भाई। दूसरी बात, गांव को आदर्श बना के छोड़ेंगे, इसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। गांव राम यदि एक मौका हमको देता है हमारे भाई को भारी मतों से जिता कर एक बार सरपंच बना के दिखाए, गांव की तस्वीर बदल देंगे जी। आने वाले टाइम में जो बच्चे हरियाणा जी के पढ़ते हैं उसमें यदि किनाड़ा गांव का नाम आए तो मानना ना तो मत मानना जी, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है जी, गांव के अंदर गौशाला की है जी, जैसे सुनने अपने पशु है गायें हैं ये फसलों को बर्बाद करते हैं, उसके लिए अलग से एक सोचते हैं मिनी गौशाला गाँव के अंदर बनाई जाएगी। उसके अलावा जो फसल पंजीकरण के लिए अब हमारे जो किसान भाई है उसके लिए भारी भरकम फीस उनको देनी पड़ती है, हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या पूरा वादा करते हैं कि गाँव की तरफ से ऑनलाइन जो पंजीकरण ये किसान भाई हम करवाते हैं, पंचायत की तरफ से हम उनके लिए निशुल्क सेवा छोड़ेंगे, जो फीस है सरकारी वो तो उनके देनी पड़ेगी, लेकिन जो ऑनलाइन चार्ज है वो हमारे किसान भाइयों को नहीं देना पड़ेगा जी। दूसरा मुद्दा जी DAP का, DAP के लिए आप देखते हो भारी भरकम लाइनें लगी रहती है, यदि ये मौका हमको मिलता है तो ये हमारा वादा है जी, गाँव की प्रत्येक गली के अंदर DAP की गाड़ी उतरेगी, पहले एक गली फाइनल फिर दूसरी तीसरी, इस प्रकार से करके गांव वाले किसान भाइयों की DAP की समस्या बिल्कुल सरल बनाएंगे जी। हमें आगे जाने वाले टाइम में मतलब किसान भाइयों को हमारे कार्यकाल में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा जी। तो इन्होंने क्या कुछ वादे किए वो सब आपने सुने, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने।